दोस्तों अक्षय कुमार अब वो कलाकार बन चुके हैं जो फिल्मों के हिट या सुपर हिट या फ्लॉप होने पर उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि साल में वो 4-5 फिल्में कर लेते हैं और फिल्म फ्लॉप हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 400-500 करोड़ तो ऐसे ही कमा ही लेते हैं। तो खैर बात करते हैं इनकी जो अभी अभी ताजा ताजा फिल्म का ट्रेलर आया है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसे लेकर बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो गोविंदा और अमिताभ बच्चन वाली थी कुछ कॉमेडी वगैरह टाइप की मूवी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें टाइगर श्रॉफ है, अक्षय कुमार हैं और पृथ्वीराज सुकुमारन है। तो फिल्म की जो कास्टिंग वगैरह है ये बढ़िया है और फिल्म का जो बजट है वो और भी ज्यादा बढ़िया है, 350 करोड़ का। और फिल्म का जो ट्रेलर दिखाया गया है वो तो बहुत ही बड़ा है, मतलब 3.5 मिनट का ट्रेलर, ये ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो बहुत ही कम शब्दों में कहूंगा कि ये जो ट्रेलर है, ये ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि फिल्म में काफी कुछ मेहनत किया गया है। फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उन्हें भी आपने कई फिल्मों में देखा है, एक था टाइगर वगैरह डायरेक्ट की थी और फिल्म काफी अच्छी चली थी। और ये जो फिल्म है वाकई में इसमें जिस तरह से स्टंट दिखाए गए हैं, VFX का इस्तेमाल जिस तरह से किया गया है, एक्टिंग वगैरह की बात आप छोड़ दीजिए, वो तो लोग पसंद कर ही लेते हैं, तो ये जो फिल्म आने वाली है ये काफी कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि इसमें सब कुछ परफेक्ट दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इस तरह की कहानी को देखकर आपको लगेगा कि आपने ऐसी फिल्म पहले भी देखी है, चाहे आप पठान की बात कर लो, जवान की बात कर लो, या टाइगर सीरीज वाली फिल्मों की बात कर लो, आपको ये मिलती जुलती कहानी टाइप लगेगी। लेकिन यहाँ पर जो एक्शन सिक्वेंस दिखाए गए हैं, जो डायरेक्शन है, ये देखने के लिए लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है। और टाइगर और अक्षय एक मिशन पर हैं, दोनों साथ में हैं, लेकिन बीच में दोनों के पंगे भी हो जाते हैं, मारपीट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो वो मारपीट इन दोनों के बीच में क्यों हो रही है ये भी देखना होगा। फिल्म के डायलॉग भी कहीं कहीं पर हल्के फुल्के पंचेस भी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये ट्रेलर है, ट्रेलर लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि इस तरह की फिल्में कई बार आपने देखी है, मिलती जुलती कहानी है कि एक विलेन है जो इंडिया पर बहुत बड़ा अटैक करना चाहता है, फिर उसके बाद हीरो सामने आता है, चाहे आप पठान की बात कर लो या फिर अभी इस फिल्म की बात कर लो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ की। तो दो लोगों को भेजा जाता है कि ये दो काम यही लोग कर सकते हैं, बाकी कोई है नहीं। तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ है इस मिशन में, आगे जाते हैं। अब वो कैसे जाते हैं, क्या क्या होगी चीजें, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरह से अक्षय कुमार की लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थी, लेकिन उसके बाद OMG 2 सुपर हिट हो गई, फिर टाइगर श्रॉफ तो एक सुपर हिट फिल्म के लिए तरस ही रहे हैं। अब देखना यही है कि क्या ये जो फिल्म आ रही है 10 तारीख को दर्शकों को सिनेमा घर में खींच लाने में संभव हो पाती है, सफल हो पाती है कि नहीं हो पाती है। आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइए।